क्या आप बनना चाहते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर? तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको बेस्ट और एक्सक्लूसिव स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आईपीओ मार्केट में कल लॉन्च हो रहा है नियोजन केमिकल लिमिटेड का, उस आईपीओ में हम इन्वेस्ट करें या नहीं, या हम लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करें या हम लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, इस डिटेल्ड एनालिसिस में हम बात करेंगे कि इस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं बता दूं, आज हमारे चैनल ने यूट्यूब पर पूरे एक साल अपना कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, एक साल के अंदर आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, हमने अपना पहला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स अभी इसमें अचीव करा, और दोस्तों आज भी हमें प्यार मिलता है, आप सबकी क्वेरी सॉल्व करने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल में बने रहें, हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जरूर लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस आईपीओ की नियोजन केमिकल लिमिटेड का, जो आईपीओ ओपन हो रहा है कल 24 अप्रैल 2019 को और क्लोज हो रहा है 26 अप्रैल 2019 को। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो दोस्तों 3 मई को हमें पता चलेगा इसकी अलॉटमेंट हमें हुई है या नहीं हुई। अगर तो हमें अलॉटमेंट हो जाएगी तो हमारे डीमैट अकाउंट में आने की डेट है 7 मई 2019, और अगर हमारे को अलॉटमेंट नहीं हुई तो हमारे को 6 मई 2019 को रिफंड आ जाएगा। अब बात करते हैं लिस्टिंग की, कि एक्सचेंज में कौन सी डेट को लिस्ट हो रहा है, तो 8 मई 2019 को ये एक्सचेंज में लिस्ट होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीओ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आईपीओ का जो साइज़ है दोस्तों, वो है लगभग 132 करोड़ के आसपास, तो आईपीओ साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। बट अगर हम बात करें आईपीओ के प्राइस बैंड की, तो प्राइस बैंड रखा गया है 212 से 215 का। फेस वैल्यू दोस्तों 10 पर शेयर है, लॉट साइज है 65 शेयर का, और अगर हमारे को दो लॉट लेने तो हमें 65 के मल्टीपल्स पे लॉट लेने पड़ेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो चाहिए लोअर प्राइस पॉइंट के हिसाब से 13,780 की इन्वेस्टमेंट जो है लोअर प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और 13,975 की इन्वेस्टमेंट है हायर प्राइस पॉइंट के हिसाब से। BSE और NSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज में ये स्टॉक लिस्ट होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं नियोजन केमिकल्स कंपनी के बारे में। तो जो नियोजन केमिकल लिमिटेड है, वो मैन्युफैक्चर करती है ब्रोमीन बेस्ड और लिथियम बेस्ड और स्पेशलिटी केमिकल। अगर हम बात करें स्पेशलिटी केमिकल में, इंक्लूड करता है ब्रोमीन, लिथियम बेस्ड, कंप्राइज फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स, इंजीनियरिंग फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स, मतलब इन सब के केमिकल्स ये मैन्युफैक्चर करता है। तो ये मुंबई बेस्ड कंपनी है जो 1991 में शुरू की गई थी। इसके अगर हम बात करें कंपनी के, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो कंपनी जो है 198 प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें से 181 प्रोडक्ट्स जो है ऑर्गेनिक केमिकल्स के हैं और 17 प्रोडक्ट्स जो हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स के हैं। तो कंपनी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोकेट करती है नवी मुंबई महाराष्ट्र में और वडोदरा इन गुजरात में, मतलब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये नवी मुंबई और गुजरात में अवेलेबल है। नियोजन केमिकल्स की अगर हम बात करें तो इसने काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस बनाया हुआ है। इनके पास टोटल अभी 1363 कस्टमर्स हैं, जिसमें से 1237 जो है इनके डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, मतलब इनके इंडियंस कस्टमर हैं। और अगर हम बात करें इनके फॉरेन कस्टमर के बारे में, तो 126 टोटल इनके इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं, जिसमें ये इंक्लूड करते हैं ऑस्टिन केमिकल्स कंपनी जो USA की है, CBC कंपनी लिमिटेड जो जापान की है, डेविस लेबोरेटरीज, लॉरेक्स लैब, ये सारी कंपनीज जो इनके कस्टमर्स हैं। तो इनके पास जो दोस्तों काम अगर हम देखा जाए तो काफ़ी अच्छा काम है और काफ़ी अच्छे इनके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पब्लिक इश्यू के बारे में आईपीओ के। तो जो ये आईपीओ दोस्तों आ रहे हैं, टोटल जैसे मैंने आपको वैल्यू बताई वो है 132 करोड़ की टोटल आईपीओ की इशू की वैल्यू है, जिसमें से दोस्तों 70 करोड़ जो है वो एक फ्रेश इशू है, मतलब जो ये कंपनी 70 करोड़ उसमें से 132 करोड़ टोटल ये कंपनी इशू कर रही है आईपीओ के थ्रू रेस कर रही है, जिसमें से 70 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल नहीं है, वो एक फ्रेश इशू है। जो बाकी 62 करोड़ बचता है वो ऑफर फॉर सेल है। अब ऑफर फॉर सेल क्या है, जो बाकी 62 करोड़ है वो उनके प्रमोटर्स को मिलेंगे जो वहां पर शेयर्स अपने बेच रहे हैं पब्लिक को। तो 70 करोड़ का ये एक तरह से फ्रेश इशू है, जिसमें से कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उन 70 करोड़ से ये पहले अपना कुछ डेट का पोर्शन अपना खत्म करेंगे, मतलब ये डेट खत्म करेंगे, कर्जा खत्म करेंगे, और लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए ये इशू कर रहे हैं, आईपीओ से फंड रेज कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में।
तो दोस्तों अगर हम इनके टोटल रिवेन्यू की बात देखें तो मतलब 2014 से ही रिवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। जो 2014 में इनका रिवेन्यू आया था वो था 799 करोड़ के आसपास। उसके बाद दोस्तों इनका जो रिवेन्यू चला गया 914 करोड़ के आसपास। उसके बाद ये इंक्रीज होते होते जो दिसंबर 18 का तक जो इनका मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाती है टोटल रिवेन्यू जो है वो लगभग 1600 करोड़ के आसपास है। तो अगर हम बात करें इनकी प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे मार्जिन से इंक्रीज हो रहा है। जो 2014 में इनका प्रॉफिट जो था 36 करोड़ था, 2015 में 50 करोड़, 2016 में कुछ खास नहीं बढ़ा 51 करोड़ के आसपास, बट 2017 में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ 76 करोड़ के आसपास, और धीरे धीरे इंक्रीज करते 31 दिसंबर 2018 तक इनका प्रॉफिट 122 करोड़ हो गया दोस्तों। तो अगर हम फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट और रिवेन्यू में बहुत ही अच्छा इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मेन चीज़ वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो इनकी अर्निंग पर शेयर है ₹5.30। प्राइस पर अर्निंग जो है पीई रेशियो की अगर हम बात करें तो 40.57 की है। अब दोस्तों मैं इंडस्ट्री की पी आपको बताना चाहूँगा और इंडस्ट्री की पी कैसे कैलकुलेट करी मैं ये भी आपको बताऊँगा। इनकी इंडस्ट्री की पी आ रही है 37.666। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके रिटर्न ऑन नेटवर्क की, तो रिटर्न ऑन नेटवर्क भी इनका लगभग 23% के आसपास है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पीयर कंपैरिजन की। हमें इसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमें इनको देखना पड़ेगा इनके पीयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो नियोजन केमिकल के जो पीयर हैं वो है आरती इंडस्ट्रीज, अतुल इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, पोशाक लिमिटेड और विनती ऑर्गेनिक्स। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं इनकी ईपीएस के बारे में। तो नियोजन केमिकल की ईपीएस सबसे कम है एज कम्पेयर टू आरती इंडस्ट्रीज, अतुल इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन, पोशाक लिमिटेड और विनती ऑर्गेनिक। जो ईपीएस नियोजन केमिकल की काफ़ी कम है। अगर हम बात करें पीई रेशियो की तो दोस्तों मैंने क्या करा, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल इंडस्ट्रीज, नवीन और पोशाक और विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की पीई को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करा, मतलब इनकी एवरेज पीई निकाली इंडस्ट्री की। तो इनकी एवरेज पीई दोस्तों जो आ रही है वो आ रही है 37.666। तो मतलब इसका क्या है, जो नियोजन केमिकल की पीई है वो है 40.57, इसका मतलब ये हायर पीई पे आ रहा है। दोस्तों पीई रेशियो जितना कम होगा उतना बढ़िया है कंपनी के लिए, जितना कम पीओ है उतना बढ़िया हमारे लिए इन्वेस्टर्स के लिए है कि इसमें पैसा लगाने में हमारे को ज़्यादा मतलब कम पैसे पे ज़्यादा बेनिफिट होएगा। तो दोस्तों इसका पीई की हम बात करें तो हम ये बात नहीं कह सकते इसका पीई जो है वो चीप नहीं है, मतलब इसका पी थोड़ा सा हमें महंगा पड़ रहा है, बट बहुत महंगा नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू अगर हम इसके इंडस्ट्री की पीई की बात करें। बट दोस्तों इसका रिटर्न ऑन नेटवर्क सबसे बढ़िया है आरती इंडस्ट्रीज, अतुल इंडस्ट्रीज से सबसे देखा जाए तो कंपैरिजन में नियोजन केमिकल का रिटर्न ऑन नेटवर्क सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों पीयर कंपैरिजन से तो देखा जाए तो ईपीएस में तो दोस्तों जो अतुल इंडस्ट्रीज है वो सबसे बढ़िया है, अर्निंग पर शेयर उनका 91.16 का है। तो पीयर कंपैरिजन में काफ़ी इससे भी बेटर कंपनीज है, बट नियोजन केमिकल्स की भी एक अपनी पहचान है, मतलब नियोजन केमिकल भी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी लिस्टिंग गेन की। अगर जो इसका हम करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो दोस्तों अभी जो इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो ₹25 to ₹30 का चल रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि ये ₹30 ऊपर खुलता है तो हमारे को लगभग 2000 के आसपास का लिस्टिंग गेन होने की संभावना पूरी होगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरे व्यू के बारे में। मैंने इसमें व्यू में डाला है लिस्टिंग गेन के लिए गो, लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड। अब दोस्तों हम लिस्टिंग गेन की पहले बात करते हैं, तो लिस्टिंग गेन के लिए आप बिल्कुल इसमें लगाइए, आप ज़्यादा लॉट ना लगाइए, आप इसमें सिर्फ एक लॉट के लिए ही इन्वेस्ट करिए। लिस्टिंग गेन के होने की पूरी संभावना है क्योंकि छोटा आईपीओ है, तो इसमें जो संभावना है नेगेटिव मतलब नेगेटिव खुलने की संभावना कम है, प्रीमियम से कम, मतलब जो अपना प्राइस बैंड है उससे कम खुलेगा की जो संभावना है बहुत कम है। तो इसका मतलब यही है कि प्रीमियम पे खुलने की संभावना ज़्यादा है, तो आप लिस्टिंग गेन इसमें कमा सकते हो, 10-15% का लिस्टिंग गेन आप इसमें कमा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जो आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा है और आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको इससे बेटर इसके पीयर्स मिलेंगे जो स्टॉक मार्केट में इसी प्राइस बैंड के आसपास हैं और वो आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको अवॉइड करने को कहूँगा, अगर बट आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग गेन के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा, लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से जरूर होएगा,
ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर होएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो नियोजन केमिकल लिमिटेड IPO के ऊपर। तो हमारी वीडियोस कैसी लगती है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।